इस लिहाज से अमरीका एक बहुत ही अल्लाह की नेमत है हमारे। अमरीका एक ऐसा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एनश्राइंड है, प्रोटेक्टेड है। कि आप जो भी कहें, आप मजहब के खिलाफ बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, किसी भी मसले का आप खिलाफ बात करें तो वो प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ जो है हत्ता कि शिया मजहब जो है सबसे बड़ा सेंटर का है ईरान है, वहाँ पे शिया कौम को आजादी नहीं है कि मजहब की दिफा करें तरह से, जैसे दिफा करते ना वजाहत के साथ। आप इराक में जाए आपको इजाजत नहीं है वहाँ पर, किसकी तरफ से मराजे की जाने शिया आपको सेंसर करते हैं। इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप तो तकलीद वाले हैं भाई। एक बात बताया मैं, तशय्यो की दिफा मैंने ज्यादा किया सिस्तानी साहब ने ज्यादा किया। ऑब्वियसली आपने की है। हाँ मैंने ज्यादा किया है, वही खुरासानी ने ज्यादा किया। आपने किया कि बिल्ला अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी मर जाए, सब मराजों को एक जगह मिलाओ भी ना, उन्होंने मेरे एक छह महीने के, उनके पूरी जिंदगी को मिलाओ ना, मेरा छह महीना उनसे ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन मोहतरम, देखिए शौकत रज़ा, शौकत की फिर से मुनाफिकत सामने आ गई है। ये अल्लाह यारी जिसको इस दौर का सबसे बड़ा फितना कहा गया है, ये उसके चैनल पर आने के बाद उसकी तायद करता है। देखिए आप अपनी आंखों से देखिए। आप कर रहे हैं, मालिक आपको नजर बस से बचाए, जबकि ये ऐसी कोई तबलीगी नहीं है कि जो अल्लाह यारी कर रहा है। ये सिर्फ शियत के दरमियान, अहले तसन्नों के दरमियान और वहदत का ये सबसे बड़ा दुश्मन है, और बिलखसूस फोका का सबसे बड़ा दुश्मन है, मरजीत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये उनकी तायद कर रहा, कह रहा है कि नजर बस से बचाए। ये मुनाफिकत आपके सामने दोबारा जाहिर हो गई है। और इसके बाद थोड़ा सा सुनते हैं। अगर वो हदीस है ना, पहले सिस्तानी को बता दें, आपके सारे पाकिस्तानी सिस्तानी के मुकल्लद हैं। वो हम नहीं, सिस्तानी ये सब कह रहे हैं। मुनासिब मकारम फिराजी